तो गाइस जाते जाते रास्ते में कांड हो गया। तो गाइस हमारी साइकिल आज दुनिया से की है। मेरा भाई जो रहे दोस्त मेरा भाई नहीं गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आज कितनी तारीख है, 26 तारीख है, शायद 26 ही तारीख है। तो मैं 26 तारीख को यूपी साइकिल से जाने वाला था। तो ये मेरी फैट साइकिल है, फैट बाइक। तो ये फैट बाइक से मैं साइकिल से जाने वाला था यूपी, मुंबई टू यूपी। तो आज अपना सफर स्टार्ट होता है यहाँ से, सुबह के 10:30 बज रहे। 10:30 बजे से देखते हम कितने तारीख को उधर पहुँचते। सो फाइनली गाइज मैं अभी अपना हेलमेट में माउंट कर चुका हूँ वो अपना मोबाइल। तो अभी चलते हैं अपन राइट पर, देखते हैं कितने में हम पहुँचते। तो आप राइड एंजॉय कीजिए। भाई क्या पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। तो गाइस मैं अभी अपने घर से 2 किलोमीटर तो आ चुका हूँ। तो 2 किलोमीटर के बाद में मैं अभी आगे चलता हूँ, देखता हूँ कितने टाइम तक के मैं कहाँ कितने किलोमीटर तक के शाम तक के राइड करूँगा। बस शाम तक, तो शाम तक के मैं कहाँ पहुँचता हूँ तो देखो। फाइनली मैं अपना मलाड मिर्च चौकी पहुँच चुका हूँ। मलाड़मेट चौकी में पहुंच के अभी नाले के पास नाला पार कर लिया। अभी आगे देखो क्या होता है। तो आप हेलमेट तो मैं निकाल दिया, हेलमेट की वजह से मेरे को गर्मी हो रही है। तो हेलमेट तो मैं निकाल चुका हूँ और उधर पे मेरा आईना गिर चुका है। तो गाइस जाते जाते रास्ते में कांड हो गया, ये मेरा आईना गिर चुका है, मेरा साइकिल का आईना पूरा टूट चुका है। अभी आपको साइकिल दिखाता हूँ। साइकिल जाते जाते पूरा कांड हो गया गाइस, ये मेरा साइकिल का टूट चुका है। तो अभी एक आईने से काम चलाना पड़ेगा। चलो अभी आगे एक ही आईने से काम चलाते, राइट मारने का, राइट के बाद सीधा जाने का। तो अभी फाइनली गाइस मैं अभी अपना मोबाइल को जेब में रखता हूँ, अभी अपना डेस्टिनेशन कम्प्लीट करने की सोचता हूँ। सो गाइस मैं फाइनली वैसे एक्सप्रेस हाईवे आ चुका हूँ। तो मेरे को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा, तो मैं भी जाता हूँ, हेलमेट लगाता हूँ फिर हाईवे पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो मैं हेलमेट लगा चुका हूँ। तो आप लोग को आवाज़ बहुत कम आ रहा रहेगा, तो हेलमेट लगा चुका हूँ। मैं भी जाता हूँ हाईवे की तरफ से, हाईवे उधर पे हाईवे। तो हाईवे से जाने का जाना पड़ेगा। तो मेरे को अभी मैं इधर ऐसे करता हूँ और मोबाइल को इधर लगाता हूँ। तो चलो गाइस हम चलते हैं हाईवे की तरफ पे। आगे जो ट्रैफिक है ना, सिग्नल है, तो सिग्नल से बस मेरे को राइट मारने का है। फिर अपना हाईवे आ चुका। इसका नाम है गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। हाईवे गूगल मैप मेरे को बोल रहा है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मौजूद होने, मतलब जॉइंट होने का है। तो फाइनली हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच गए। तो आगे चलते हैं कहाँ पर।
कैसा हालत हो गया। अभी ज़्यादा टाइम लगाया भी नहीं हेलमेट, बस तो अभी हेलमेट लगा के मैं जाता हूँ, मोबाइल को जेब में रखता हूँ क्योंकि हाईवे है, मोबाइल गिर जाएगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, रास्ता कैसे पता चलेगा मेरे को। तो अभी मैं चलता हूँ 5 किलोमीटर, मेरे को हाईवे पार करने का 5 किलोमीटर। तो ये टूर बाय बाय, अभी आगे चल के आगे का सफर आपको मिलता हूँ। किसी जगह का नाम ये जोगेश्वरी हाईवे। सो हेलो गाइस, मैं मेरा नाम अजीब है। तो गाइस मैं अभी जोगेश्वरी हाईवे के पास यहाँ पे बस स्टॉप है, तो उधर रुका हुआ हूँ। तो मेरे को ये अंकल मिले, क्या नाम? अजीम है, अजीम खान। तो ऐसे इनका कुछ सोशल मीडिया ऐप कुछ भी नहीं है, मतलब फ्रेंडली हो गया। हम तो दोनों मिले थे तो आपस में बात करने लगे थे, तो इसलिए थोड़ा मैं आराम कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल तो मेरी साइकिल उधर पे खड़ी है और मैं उधर रुकता हूँ, तो अभी मैं आराम करता हूँ, फिर वापस से मेरे को आगे जाने का है। तो मैं फाइनली गाइस अभी बंद करता हूँ, थका हुआ हूँ, बात करता हूँ। A few moments later. So guys, हम अजीम खान, लेकिन अजीम भाई बोलेंगे हमें, तो हम अजीम भाई से मिल सके। अभी जोगेश्वरी से हम निकलने वाले उस तरफ से, तो आगे की गाइड अपन देखते कंप्लीट करते हैं, कर पाते कि नहीं कर पाते। बस आप लोग स्टेट ढूंढ रहे और हमेशा देखिए हम मेरे वीडियो। तो फाइनली गाइड हम निकल चुके, तो रास्ते में एक अजीम भाई मिल चुके थे, उनका पूरा नाम है अजीम खान। तो मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो फ्रेंडली थे, एकदम अच्छे से बात कर रहे थे, उत्सुक रहते हैं ना जो अक्सर के बात करते कि काहे जा रहा, पागल है क्या, वो ऐसा नहीं बोले, बोले आराम से जा, इंशाल्लाह तू पहुंच जाएगा। तो मुझे वो फ्रेंडली अच्छा लगा। तो अभी हम जोगेश्वरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पार कर रहे हैं, तो अभी आगे चल के देखते हमारे साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, कितने अच्छे लोग मिलते, कितने बुरे लोग मिलते। इसको बोलते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। वैसे आप लोग को तो पता रहेगा, फिर भी बोलना पड़ता है वीडियो में। अभी इनको प्यास लगी है, पानी पीने जा रहा हूं मैं। पानी तो भी पी लिया हूं। अभी मैं बंद करता हूं अपना वीडियो क्योंकि देखो मेरे को डर है कि मेरा मोबाइल ना गिर जाए। बस तो गाइस अभी मैं छत्रपति शिवाजी के एयरपोर्ट के सामने खड़ा हूं। तो ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट के साथ खड़ा हूँ, छत्रपति शिवाजी का एयरपोर्ट है, आपको तो दिखाते ही जाता हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
तो देखो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लैक ब्लैक कलर की स्टैचू है, क्या मस्त बनाए गए हैं, क्या करेगी भी। अभी तो फिलहाल इधर पे देखो तो खुद भी नहीं पता मैं किधर हूँ। द ऑर्चिड सामने लिखा है, द ऑर्चिड। इधर भी फोटोग्राफी वोग्राफी हो रही है, देखो इन लोग भी फोटो वोटो खींच रहे करते हैं आगे। तो अभी हम थोड़ा पैदल ही जाने सोचे हाँ, जिसको जिसको उधर पे इंग्लिश पढ़ने नहीं आया ना तो इधर पे हिंदी में भी है, इधर पे हिंदी में भी है। ये पढ़ लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है थोड़ा। तो अभी अपन वापस से साइकिल पे जाए, नहीं थोड़ा पैदल चलते। तो अभी अपन वापस से थोड़ा पैदल चलते, देखते क्या होता अपने साथ। थोड़ा हमेशा साइकिल पर थोड़ी बैठे रहूँगा, पीछे की बम्बी तरह दिन लग जाएगी। चलो अभी पैदल चलते। हाँ मैंने हेलमेट पीछे टांग दिया, बैग पे टांग दिया, ये थोड़ा गर्मी हो रही थी ना इसलिए पीछे हेलमेट बैग पे टांग दिया। तो अभी चलते हैं और साथ में जुड़े रहिए थोड़ा आगे। सो हेलो गाइस, अभी मैं सांता क्रूज हाईवे लिंक रोड। अभी फिर थोड़ा बैठ के आराम करता हूँ, इधर से बैठ के थोड़ा आराम करता हूँ, फिर यहाँ से मैं निकलना स्टार्ट करता हूँ। Few moments later. So guys, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पे पहुंच चुका हूँ। तो ये हाईवे से इनको आगे आके 1 किलोमीटर पे साइड से लेफ्ट राइट ले लिया, 1 किलोमीटर पे आगे आके राइट ले लिया। तो अभी हम चलते थोड़ा इधर बैठू कि नहीं बैठू सोच रहा हूँ, नहीं थोड़ा चलते क्योंकि थका नहीं हूँ मैं, थोड़ा आगे आगे। सो हेलो गाइस, मैं अभी बेंगलुरु हाईवे पे 6 किलोमीटर मेरे को जाने का है, 6 किलोमीटर। तो मैं अपना डेस्टिनेशन वही कंप्लीट कर रहा हूँ, 6 किलोमीटर मेरे को जाने का है। तो आप रोड देख सकते हो, आपको रोड दिखाता हूँ, पूरा ये रोड है पूरा सीधा गया है, सीधा सीधा जाने का मेरे को। तो अभी मैं वही मैप देखता हूँ, रखता हूँ मोबाइल को आराम से, इसमें रख रहा हूँ मोबाइल। तो अभी डेस्टिनेशन कंप्लीट करने के सोचते, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जैसा कि मैं आज इधर पहुंच चुका हूँ महानगर पालिका, तो अभी देखते हैं अपना डेस्टिनेशन कितना बाकी है। अभी बहुत बाकी है, पर 17 दिन का साइज से बाकी है। तो अभी अपन थोड़ा रेस्ट तो नहीं कर रहे, आगे ट्रैफिक लगी है तो ट्रैफिक का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक खुलेगी वैसे हम जाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि देख सकते पूरी ट्रैफिक लगी हुई है, तो इसके लिए मैं इधर थोड़ा पीछे रुका हूँ, साइज खुला। तो चलो अभी अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि वहाँ पीछे साइड सूरज है। गाइस महानगर पालिका के आगे आया तो उधर पे बेलापुर लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा है बेलापुर। तो बेलापुर में मैं अभी पहुँचा हूँ। आगे क्या है, आगे तो आप लोग जाना और सीधा जाने
देखते अभी क्या कहाँ जाना है। देखो जैसे मैं एकदम हाईवे पार करते करते देखो देखो क्या चीज एकदम मस्त चीज दिखी, तो आपको भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखो पूरा एकदम पहाड़ जैसा लगता है कि द लायन किंग पिक्चर देखो जो भी इतनी में लगता बना है, एकदम पूरा पहाड़ दिख रहा है। सुन करके देखो ये जो जगह है नेशनल एंथम नाम है, नेशनल एंथम हाईवे, नेशनल एंथम हाईवे उधर के अभी पार करने का मेरे को 3 किलोमीटर पार करने का, आगे चलते क्या होता है। तो गाइस मुझे भूख लग रही थी तो इधर से वड़ा पाव ले रहा हूँ मैं। तो ये है वड़ा पाव मैं ले चुका हूँ, अब हमको घर बैठ के खाने का। तो देखो गाइस ये वड़ा पाव है और मैं आफ्ताब अभी बैठ के खाने जा रहा हूँ। तो पेमेंट वेमेंट मैं दे देता हूँ कि साइकिल उठा के डायरेक्ट चले जाऊँ। तो गाइस मैं इधर बैठा था तो कुछ लोग को मेरी साइकिल बहुत पसंद आ गई थी, ये लोग को बहुत साइकिल पसंद आ गई थी, तो वही दूर से देख देते तो बोला छू के देखो करंट नहीं है, करंट नहीं मारे है। अभी देखो ये अंकल को भी बहुत पसंद आई है, अभी अंकल भी इस अराउंड मतलब आए, अंकल छू के देख लो छू के देख लो। हाँ पैर से चलता है, एक आदमी के लिए, हाँ एक आदमी के लिए। तो चलता हूँ गाइस इधर से, मैं मेरा आराम भी बहुत हो गया है, अंकल को बहुत पसंद आ गया, अंकल फोटो खींचने जा रहे हैं। अंकल को देखो पसंद आ गया इसके लिए अंकल फोटो खींचने जा रहे हैं। चलो गाइस तो गाइस शाम के अभी 6 बजे, तो मैं अभी फिलहाल तो अभी हूँ वही नेशनल एंथम हाईवे पे हूँ, तो मुझे अभी जगह ढूंढना पड़ेगा, आगे चल के जगह ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी शाम के 6 बजे, तो 6 बजे 7 बजे तक की तो ढूंढना पड़ेगा 7 बजे तक के। तो अभी मैं चला चला के आगे जाता हूँ, देखता हूँ मिलता है कि नहीं, वैसे तो देख सकते हो सूरज। ये है नेशनल एंथम हाईवे, तो अभी मैं मोबाइल को जेब में डालता हूँ और जगह ढूंढता हूँ रहने के लिए। तो गाइस जैसा कि आज मैं इधर मेरी आज की राइड कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं पहुँचा हूँ पुल के के पास पहुँचा हूँ, तो इधर रहने के लिए जगह तो मिल गई है। तो सामने वो उधर पे एक वो है, तो वहाँ पे मेरे को बोले कि आप एक रात रुक सकते, तो मैं वो एक रात वहीं पर रुक जाऊँगा। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय 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 टेक केयर, एंड दुआ करो भाई लोग मैं भी अपना यूपी पहुंच जाऊँ।